आज हम आपको एक अद्भुत कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं। यह कलाकार हैं श्रीमती शोभा शेट्ये जी, जो कांच की टूटी हुई चूड़ियों से अद्भुत कलाकृति बनाती हैं। शोभा जी के पति श्री रघु कृष्णन शेट्ये जी को भी अपनी पत्नी पर बहुत गर्व है। शोभा जी के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कलाकार को कीमत नहीं कद्रदान चाहिए, कलाकार को कीमत नहीं कद्रदान चाहिए, कला को कोना नहीं खुला आसमान चाहिए। यूं तो यह शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है, कला की रानी बस सर पे ताज नहीं। अपनी कला का हर कलाकार धनी होता है, क्योंकि कलाकार की अंगुलियों में जादू होता है। तो आइए हम उस जादू को देखते हैं जो शोभा जी की अंगुलियों का है। कांच की टूटी हुई चूड़ियाँ जिन्हें हर महिला बाहर फेंक देती है, शोभा जी ने इन्हीं टूटी हुई चूड़ियों से अपने सपनों में रंग भर लिए हैं। शोभा जी का इस कला के प्रति लगाव इनकी हर एक कलाकृति को देखकर महसूस किया जा सकता है। क्या हमने और आपने कभी सोचा था कि टूटी हुई चूड़ियों का इस्तेमाल ऐसा भी हो सकता है? टूटी हुई चूड़ियों में किस रंग का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है, यह सब शोभा जी ने यह कलाकृतियाँ बनाते हुए खुद अपने अनुभवों से ही सीखा है। जी हाँ, इस कला को शोभा जी को किसी ने भी सिखाया नहीं है। फिर भी शोभा जी की बनाई हुई हर कलाकृति ऐसी है कि हर कोई बस देखता ही रह जाए। इस कला को मैंने तो आज तक कहीं भी नहीं देखा था, और जब मैंने प्रदर्शनी में इन कलाकृतियों को देखा तो मैंने शोभा जी से बात की कि क्या वो मुझे अपना थोड़ा सा कीमती समय देंगी। तब शोभा जी ने बड़ी विनम्रता के साथ हमें अपने घर पर आमंत्रित किया। शोभा जी के पति श्री रघु कृष्णन शेट्टी जी ने भी बड़े ही आदर के साथ हमसे बात की, और फिर उनकी एक के बाद एक सारी कलाकृतियाँ हम देखते गए। हर कलाकृति एक से बढ़कर एक, और इसीलिए हम जैसे सामान्य लोगों के साथ साथ बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी शोभा जी की कला को सराहा है। अब तक कई जगह अलग अलग शहरों में शोभा जी की प्रदर्शनियाँ लग चुकी हैं, और जहाँ भी यह प्रदर्शनी लगी है वहाँ के समाचार पत्रों में शोभा जी का स्थान होता ही है। बेहद सुंदर शब्दों में समाचार पत्रों में शोभा जी की कला का वर्णन होता है। शोभा जी की इन कलाकृतियों ने सभी जगहों से ढेर सारी प्रशंसा बटोरी है, और अब बारी आपकी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि कलाकार तो बिल्कुल मोर जैसा होता है, जैसे मोर के पंख मोर को बहुत ही सुंदर बना देते हैं, वैसे ही कलाकार को उसकी कला की वजह से जाना जाता है, और उसकी कला की वजह से ही कलाकार की सुंदरता हमें दिखाई देती है। जैसे बारिश की बूंदें मोर के मन को प्रसन्न कर देती हैं, वैसे ही यदि कलाकार की कला को सम्मान मिले तो वर्षा की फुहारों में जैसे मयूर नृत्य करता है, वैसे ही कलाकार का मन भी प्रसन्न हो जाता है। शोभा जी की कलाकृतियाँ जितनी सुंदर हैं उतना ही सुंदर उनका मन भी और स्वभाव भी है। शोभा जी की उंगलियों का एक और जादू यानी उनका लिखना। शोभा जी ने कई कादंबरी एवं कविताओं की पुस्तक लिखी हैं। इसके साथ ही उनकी एक विशेष पुस्तक सौभाग्यलेणी। इस सौभाग्यलेणी पुस्तक में शोभा जी ने इन्हीं कांच की टूटी हुई चूड़ियों की कलाकृतियों के बारे में संपूर्ण विवरण किया हुआ है। शोभा जी ने अपनी इन कलाकृतियों के फोटो खिंचवाकर एक एल्बम भी तैयार किया है। शोभा जी की सारी प्रकाशित पुस्तकें एवं एल्बम एवं शेट्टे दंपति का इंटरव्यू हम अगले वीडियो में प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए आप इन कलाकृतियों का आनंद लीजिए तथा अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।
हूँ।